जीवन। ये हादसा मेरे साथ 2010 में हुआ था। मेरे पैर में ना इन्फेक्शन फैल चुका था, तो उससे ना इसमें छाले पड़ने लगे थे। तो छाले पड़ने की वजह से ना इसमें बहुत दिक्कत आई, कीड़े तक पड़ गए थे। तो फिर 2010 में PGI चंडीगढ़ से इसे कटवाया। फिर उसके बाद भी मुझे स्कूल जाने में और कहीं पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, या मैं कहीं सफ़र करता था उसके लिए मुझे एक बंदे की जरूरत होती थी। तो फिर इसके बाद 2020 में मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेरा पैर ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने की वजह से काटना पड़ा। तो फिर भी अभी भी ये दिक्कत है। तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ कि इस उम्मीद से कि मेरा पैर अच्छा लगे, ताकि मैं कुछ कर पाऊँ आगे। यहाँ के बारे में मुझे TCO नॉर्थ ग्रुप से पता चला। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का पैर फ्री में बनाया जाता है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पहले मैं आया था तो मेरे पास पैर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी दिक्कतें होती थी। अब मेरे पास पैर आ गया तो मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, जिससे मुझे अपने दोस्तों के ऊपर डिपेंड रहने की लोड नहीं। जैसे कहीं मुझे जाना है तो मैं खुद भी जा सकता हूँ, मुझे उनकी सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे भी मतलब भविष्य में कुछ भी कर सकता हूँ पैर की सहायता से, जो मैं पहले करने की मतलब सोच भी नहीं सकता था। जिन्होंने इस पैर के लिए डोनेशन दी थी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनकी सहायता से मेरा पैर लग पाया। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा हूँ, अपनी मर्जी से चल पा रहा हूँ, कहीं भी आना जाना हो पा रहा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।